केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर फाइव। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑक्साइड्स देखे थे हैलोजेंस के, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस देखेंगे। और वैसे तो ये रिएक्शंस हम सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कहते किसको। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से पहले आपको मैं ये बता दूं कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपके पास रिडक्शन और आपके पास ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली आपके पास हो रही होती है इन रिएक्शंस के अंदर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रिडक्शन किसे कहते हैं। रिडक्शन आप कहते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और ऑक्सीडेशन आप कहते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिडक्शन कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। और अगर आप हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो रिडक्शन हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, और हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है। जो फिलहाल आज हम डिस्कशन का अपना रखेंगे उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली आपके जितने भी रिएक्शंस होते हैं रिडॉक्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना या निकलना ये इन्वॉल्व होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस तो आपको आते ही होंगे, बड़े सिंपल से होते हैं। और लास्ट तकरीबन हर लेक्चर के अंदर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस देखते आ रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया रिएक्शन टाइप पढ़ेंगे जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब चूंकि इनका नाम बहुत बड़ा है तो हम ऐसा करते हैं इनका नाम रख देते हैं डी रिएक्शंस, ठीक है। ये जो डी रिएक्शंस होते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं कि वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि आपकी ए बी प्लस सी डी आप करते हो, ठीक है। लेट से ए टू बी प्लस सी डी थ्री, ये दोनों मिलके आपके पास लेट से बना देते हैं ए डी प्लस सी टू प्लस ए सी, ठीक है। इस टाइप का लेट से ये कोई जनरल रिएक्शन है, हो सकता है इस तरह का कोई रिएक्शन हो। अब आप इसमें देखो कि जो C है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्या शो कर रहा है, जीरो। और यहाँ पे स्टेट शो कर रहा है माइनस वन, और यहाँ पे A प्लस वन एंड माइनस वन। A यहाँ पे शो कर रहा है प्लस वन, ठीक है। देखिए B तो हमने बनाया ही नहीं कोई, यहाँ पे हम बी टू बी बना देते हैं, ठीक है। B यहाँ पे शो कर रहा है माइनस वन और यहाँ पे शो कर रहा है जीरो। देखिए B का चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और आप कोई ऐसी चीज देखें जिसका चार्ज आपका कम हो रहा है, C का चार्ज आपका कम हो रहा है। तो बेसिकली जब आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं ना तो आपका चार्ज कम होता है। तो आप ये कहोगे कि C जो है ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं इसमें। और जो आपका B है ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड ए भी आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, बी आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, अब ये तो एक सिंपल सा मैंने एक रिएक्शन लिया और आपको समझाने के लिए ये किया है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, हम बेसिकली बात कर रहे हैं डी रिएक्शंस की, ठीक है। डी रिएक्शंस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आपके वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपकी एक ही स्पीशी या एक ही आपका मॉलिक्यूल या एटम या जो भी चीज आपकी बात कर रहे हो, जिसको अमूमन आप एटम की बात करते हो, आपका कोई एक ऐसा एटम या एलिमेंट होता है जो आपकी रिडक्शन भी उसी के अंदर हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी उसी के अंदर हो रही होती है, ठीक है। आप कह लो कि रिडॉक्स रिएक्शंस की एक टाइप है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि जो आपका H2O2 है, ये H2O2 किस चीज का फॉर्मूला होता है, H2O2 आपका फॉर्मूला होता है किस चीज का होता है, परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि परऑक्साइड्स वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब आपको पता है कि जो परऑक्साइड्स होते हैं ये डीकम्पोज हो जाते हैं फॉरन किस चीज के अंदर,
वाटर के अंदर और साथ में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब ऑक्सीजन O2 के अंदर ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? ऑक्सीजन का कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज जीरो है। और H2O के अंदर ऑक्सीजन का क्या चार्ज है? माइनस टू। अब देखो ऑक्सीजन माइनस वन चार्ज था इसका इनिशियली, ठीक है, बाद में इसका चार्ज एक स्पीशी के अंदर जीरो हो गया और दूसरी के अंदर माइनस टू, यानी चार्ज बढ़ भी गया और कम भी हो गया। अब चार्ज का इंक्रीज करना आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो आपका जो चार्ज होता है एक एटम का वो इंक्रीज कर जाता है। तो अब होगा ये कि ओ माइनस वन जो है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये आपका ओ जीरो बना देगा, ठीक है, और साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज कर देगा। और अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ये अगेन एक और ओ माइनस वन के साथ रिएक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन O माइनस टू ये बना देगा इसको, ठीक है। तो अब देखो प्रोडक्ट्स में आपके पास एक O माइनस टू प्रोड्यूस हो रहा है और एक O जीरो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जिसके अंदर एक ही चीज होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ही के अंदर यहाँ पे रिडक्शन भी हुई है, ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है और ये आपके पास रिडक्शन हो गई है, ठीक है। हम कुछ और जनरल रिएक्शंस देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम हैलोजेंस के रिएक्शंस देखेंगे। आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी रिएक्शन देख चुके हो कि आपके पास एक तो नाइट्रस एसिड बना देता है और एक आपके पास नाइट्रिक एसिड बना देता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन किस में रिडक्शन हो रही है। नाइट्रोजन का यहाँ पे चार्ज क्या है? NO2 के अंदर दो ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस फोर, तो नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पे बेसिकली प्लस फोर है, ठीक है। HNO2 के अंदर आपका NO2 एज अ रेडिकल बिहेव कर रहा है और उसका चार्ज माइनस वन है, H प्लस वन है और NO2 माइनस वन है। और NO2 का अगर चार्ज आपके पास माइनस वन है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन यहाँ पे एज प्लस थ्री बिहेव कर रहा है, तीन प्लस थ्री इसका हो गया और चार दो ऑक्सीजन का माइनस फोर, तो प्लस थ्री माइनस फोर माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे HNO3 के अंदर नाइट्रेट आइन है, यहाँ पे नाइट्राइट आइन था, यहाँ पे नाइट्रेट आइन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपकी प्लस फोर से ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री में जब चेंज हुई तो ये आपकी हुई रिडक्शन, यानी नाइट्रेट जो है नाइट्राइड इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये यूं बन गया, ठीक है, नाइट्राइट माइनस वन बन गया। और साथ में इसने ये भी किया कि एक नाइट्रेट जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये NO3 इसने बना दिया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। तो ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन स्टेप हो गया और ये आपका रिडक्शन स्टेप हो गया, ठीक है। तो ये तो थे मुख्तलिफ आपके पास एग्जाम्पल्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की। अब हम देख लेते हैं अपने आपके कोर्स में जो शामिल हैं आपके जो हैलोजेंस हैं इनके रिएक्शंस किस चीज के साथ, बेसिस के साथ, हैलोजेंस बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरीन लो ना और इसका आप रिएक्शन कराओ लेट से किसी भी हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको याद है जो चैप्टर नंबर टू जो था ना हमारा चैप्टर टू, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था सोडियम का और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हमने प्रिपरेशन देखी थी, ये हमने डाउन सेल पढ़ा था इसके लिए डाउन सेल, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमने कौन सा सेल पढ़ा था, नेल्सन सेल, नेल्सन डायफ्राम सेल। उस डायफ्राम के अंदर जो हम एक डायफ्राम दरमियान में यूज करते थे वो क्यों करते थे, आपको कुछ याद पड़ रहा है? वो डायफ्राम इस वजह से करते थे कि जो एक तरफ को क्लोरीन है और दूसरी तरफ को जो आपके बेस के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो आपस में रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है, वो आप इस वजह से नेल्सन सेल में यूज करते थे, वो जो दरमियान में आप डायफ्राम यूज करते थे। और यहां पे भी बेसिकली इसी वजह से अब हो ये रहा है कि आपका ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो बेसिकली कि जब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करता है ना क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैक करता है तो ये आपके पास हाइपोक्लोराइट और साथ में क्लोराइड आइंस और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज क्या है, जीरो, यहाँ पे OCl माइनस वन के क्लोरीन ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, होता है माइनस टू, तो क्लोरीन का चार्ज यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन, प्लस वन माइनस टू माइनस वन चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे चार्ज है प्लस वन, ठीक है, ये मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सीजन माइनस टू क्लोरीन प्लस वन, ठीक है, तो माइनस टू प्लस वन आपके पास नेट चार्ज जो बन रहा है माइनस वन बन रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे प्लस वन बिहेव कर रहा है और यहाँ पे माइनस वन, तो बेसिकली जब क्लोरीन जो है ना ये एक इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और ये Cl प्लस वन और साथ में दो Cl प्लस वन बनाएगा और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा,
ठीक है, और फिर ये होगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेप हो गया, इसमें चार्ज आपका बढ़ रहा है, और फिर रिडक्शन ऐसे होगी कि आपका जो क्लोरीन है Cl2 यही आपके दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और ये आपके क्लोराइड आइंस बना देगा, ठीक है, दो क्लोराइड आइंस बना देगा, तो ये आपकी रिडक्शन का स्टेप हो गया, ठीक है। तो आप देखो क्लोरीन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चूंकि दोनों हो रही है तो ये आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और इसको हम जनरली भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते क्लोरीन के साथ, तो फिर ये होता कि जो आपके क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट आइंस है ना, ये आपके सोडियम के क्लोराइड और सोडियम के हाइपोक्लोराइट बन जाते, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड साथ में सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते ब्रोमीन के साथ, तो ये आपके पास सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोब्रोमाइट, जिस तरह ये हाइपोक्लोराइट होता है ना, इस तरह आपके पास हाइपोब्रोमाइट होता है, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर यहां पे भी, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन है, क्लोरीन और ब्रोमीन आपके ये वाला रिएक्शन शो करते हैं, आयोडीन भी, लेकिन अगर आप उसकी बात करो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर आप फ्लोरीन को रिएक्ट कराओ तो ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये तो आपके पास सोडियम फ्लोराइड बना देगा, ठीक है, साथ में आपके आई थिंक हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, ये आपका डिफरेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, इसमें हाइपोक्लोराइट प्रोड्यूस नहीं होते। तो हाइपोक्लोराइट और हाइपोब्रोमाइट जो है ना, ये इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हो गया। अब देखो कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हो गया। अब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ये आपका बन तो गया है, और ये जब बनता है तो ये आपका कोल्ड टेम्परेचर पे बनता है, कोल्ड टेम्परेचर इतना भी कोल्ड नहीं होता, लेकिन आपका रूम टेम्परेचर से डाउन होता है, ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप टेम्परेचर हो तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, और अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 से भी अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो ये आपका ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन हो जाता है। अब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो, यानी अगर आप टेम्परेचर जो है वो 20 पे ले जाओ, 20 पे, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ना, ये आपका डीकम्पोज होने लग जाता है, डीकम्पोज होके अब अगेन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। कैसे, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज क्या है, OCl में NaOCl है ना, OCl में क्लोरीन का चार्ज होता है +1, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन +1, ऑक्सीजन -2, ये नेट चार्ज -1 हो गया और सोडियम +1, ठीक है। तो बेसिकली आप यूं भी कह सकते हो सोडियम +1 है, क्लोरीन +1 है, ऑक्सीजन -2 है, तो ये नेट चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे +1 है। अब ये होता है कि ये आपका हाइपोक्लोराइट आइन जो है ना, ये आपका चेंज हो जाता है किसके अंदर, आपका ये चेंज होता है एक तो क्लोरेट आइन के अंदर, ठीक है, और साथ में ये आपका क्लोराइड आइन के अंदर चेंज होता है, ठीक है, क्लोरेट में चार्ज क्लोराइड -1 एंड क्लोरेट भी आपके पास -1 होता है, ठीक है। अब देखो क्लोरेट -1 में क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, क्लोरेट -1 में जो क्लोरीन का चार्ज होता है वो होता है Cl +5, O का टोटल चार्ज -6 हो गया, तो +5 -6 -1, ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और यहाँ पे +1 कर रहा है, ठीक है, सॉरी -1 शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे +1 से +5 में जब गया तो ये ऑक्सीडेशन हुई, और +1 से जब -1 पे गया तो ये रिडक्शन हुई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे OCl जो हाइपोक्लोराइट आइन है, ये आपका डीकम्पोज होके, ये डीकम्पोज या डिस्प्रोपोर्शनेट होके आपका Cl(O)3-1 यानी क्लोरेट आइन और क्लोराइड आइन। इसी तरह आपका जो हाइपोब्रोमाइट आइन है, ठीक है, OBr-1, ये आपका जो है ये ब्रोमेट Br(O)3-1 और साथ में ब्रोमाइड बना देता है, ठीक है, और चूंकि आपने सोडियम भी साथ में डाला होता है तो ये आपका सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड, और इसी तरह ये आपका सोडियम ब्रोमेट और सोडियम ब्रोमाइड बनाता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, आपका थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होने से 20 के, ये आपको ऑलमोस्ट 20 नहीं बल्कि ये आपको 70 पे सॉरी जाके करना पड़ेगा, और जो नीचे वाला रिएक्शन है ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है, यानी ब्रोमाइड हाइपोब्रोमाइट आपका ब्रोमेट और ब्रोमाइड में 20 डिग्री पे भी चेंज हो जाता है, और ये भी अगेन आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को मिक्स करके लिखो, एक तो आपका ये रिएक्शन था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट किए थे, और ये आपका सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट Clo या OCl कह लो, और साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ था कि आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड था, ये आपका डीकम्पोज होकर सोडियम क्लोराइड और साथ में सोडियम क्लोरेट इसने बना दिया था, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, ये आपके दोनों साइड्स पे हैं, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, यानी अब तो टेम्परेचर 70, ये नीचे वाला 70
70 पे हुआ था और ये ऊपर वाला जो था ये आपका 15 डिग्रीज पे हो गया था, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपके पास एक तो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, साथ में आपका सोडियम क्लोरेट प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये दोनों, और बैलेंसिंग आप इसकी खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एट हाई टेम्परेचर ये आपके पास प्रोड्यूस होता है एंड एट लो टेम्परेचर आपके पास कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोनों केसेस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो आपके पास क्लोरीन का चार्ज यहाँ पे जीरो है, क्लोराइड का माइनस वन है और क्लोरेट का यहाँ पे चार्ज आपके पास प्लस फाइव है। तो ये आपके पास रिडक्शन हुई और ये आपके पास ऑक्सीडेशन हुई। ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ना, फाइनली हम इसकी एक और चीज देख लेते हैं कि आपका जब हाइड्रोक्साइड मैंने कहा था कि ये आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइपोक्लोराइट आइंस जनरेट करता है OCl, ठीक है, और साथ में क्लोराइड आइंस भी जनरेट करता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहां तक तो चीज क्लियर है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर यहां पर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया होता, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड तो उस केस में भी है, तो फिर यह होता कि ऑक्सीक्लोराइड और क्लोराइड दोनों प्रोड्यूस होते, तो फिर आपके पास कैल्शियम ही का क्लोराइड और कैल्शियम ही का ऑक्सीक्लोराइड भी प्रोड्यूस होता, हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड दोनों कैल्शियम के प्रोड्यूस होते। तो इसको हम कहते हैं, ये जो पूरा मैंने लिखा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, यानी बेसिकली इसमें हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड आइंस ये दोनों, क्लोराइड माइनस वन, हाइपोक्लोराइड भी माइनस वन, ठीक है, तो कैल्शियम प्लस टू, तो ये आपके पास पूरा कंपाउंड बन जाता है जिसको हम लिखते हैं CaClOCl या CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। अब अगर आप रिकॉल करो, ये तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, आपको याद पड़ रहा है, ये तो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ये जो CaClOCl होता है आपके पास CaClOCl, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है और ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरीन यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्लोरीन प्लस वन और क्लोरीन माइनस वन में चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे प्लस वन है लेकिन ओवरऑल चार्ज हाइपोक्लोराइड पे माइनस वन होता है, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रोड्यूस हो गया इस तरीके से, और ये जो आपका OCl- यानी जो हाइपोक्लोराइट है ना, ये आपका बेसिकली ब्लीचिंग एक्शन जो होता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसी वजह से जो आपके मुख्तलिफ ऑक्सीक्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, या आप हाइपोक्लोराइड्स होते हैं, ये आपके ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन या डी रिएक्शन, ठीक है। इस टॉपिक को खत्म करने से पहले चले मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, एक तो होते हैं ना डी रिएक्शंस, तो एक होते हैं सी रिएक्शंस क्या होते हैं, जिस तरह वो था ना डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ये आपके पास होते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। और इन दोनों अब कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आपके पास वो होते हैं जिनके अंदर आपका कोई एक ही स्पीशी जो है ना, इसमें तो ये हो रहा था कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन जीरो था, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके क्लोरीन प्लस वन और माइनस वन में चेंज हो रहा था। अब अगर इसी रिएक्शन को आप उल्टा करके लिख दो कि क्लोरीन प्लस वन हो एक स्पीशी के अंदर और दूसरी स्पीशी के अंदर माइनस वन हो और एक नई चीज बनाए जिसमें एक ही क्लोरीन का चार्ज हो, ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये उल्टा होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, ठीक है। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप H2S गैस जो है इसको सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जब आप रिएक्ट कराते हो तो आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो कि आपके पास प्योर सल्फर ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। बेसिकली आप सल्फर इसको रिड्यूस करते हो यूजिंग H2S गैस, ठीक है। इस रिएक्शन में आप देखो यहाँ पे सल्फर का चार्ज क्या है H2S में, H का चार्ज होता है प्लस वन, तो दो हाइड्रोजन का प्लस टू और सल्फर का यहाँ पे माइनस टू चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर का क्या चार्ज है, दो ऑक्सीजन का माइनस फोर हो गया तो सल्फर का यहाँ पे प्लस फोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर का चार्ज माइनस टू, यहाँ पे प्लस फोर, और यहाँ पे सल्फर जब एटोमिक फॉर्म में है तो यहाँ पे इसका चार्ज जीरो, ठीक है। तो अब देखें ये मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ लो बैकवर्ड्स हो रहा है, ठीक है, यानी अब ये अगर इन दोनों में चेंज होता तो फिर आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन होता और ये जो प्रेजेंटली मैंने रिएक्शन लिखा है ये आपके पास कॉम्प्रोपोर्शनेशन या सी रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि जो आपके सी और डी रिएक्शन है ना, ये आपके सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ हैलोजेंस के साथ ही हो, ये आपके किसी भी एलिमेंट के हो सकते हैं, ठीक है। और आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बे इंतहा एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑक्सी एसिड्स डिस्कस करेंगे।
ठीक है, जो कि एक टोटली नया टॉपिक है, ठीक है। ये आपके बेसिकली समझ लो कि एसिड्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन और हैलाइड आइंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम ऑक्सी एसिड्स देखेंगे, फिर हम इनका नॉमेनक्लेचर वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो